2014 मसीहा पूर्वर भारत में पाकिस्तान तार आतंकवादी कार्यकलाप करथला किंतु 2014 परे नुआ भारत रे देशर समस्त नागरिक निजक सुरक्षित मन कर महाराष्ट्र मीरा भयंदर रे निर्वाचन रैली बेले एक जनसभा को संबोधित करी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काश्मीर धारा 370 हटा प्रसंगे योगी कहते प्रधानमंत्री मोदी आश्वासना मिल सारी कांग्रेस चारि पीढ़ी आसिले भी धारा 370 को पुनर्बार लागू करिपारिबे नाही। नुआ भारत रे आतंकवाद रो चिन्ह बल नाही, देश रे विश्वस्तरीय भित्तिभूमि रो निर्माण चालितबा कहिसंती जोगी। देश के अंदर आज सुरक्षा का वातावरण है, आतंकवाद की जड़ कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई, कांग्रेस अभी फड़क रही है इसको फिर से लागू किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि कांग्रेस की चार पुश्त भी कश्मीर में धारा 370 को फिर से लागू नहीं कर सकती। आज देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, IIT, IIM, AIIMS, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना जैसी योजनाएं भी लागू हो रही हैं, तो गरीबों के कल्याण के लिए भी अनेक कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं, चाहे वह पीएम आवास की योजना हो, चाहे वह आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे वह नौजवानों के रोजगार की योजना हो, और चाहे लाडली बहना योजना के माध्यम से हर महिला के खाते में हर महीने 2100 रुपये देने की व्यवस्था हो, या कार्य कांग्रेस नेतृत्व की महागाड़ी गठबंधन की सरकार भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी कुछ नहीं किया, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, खजाने को लूटते रहे, प्रदेश और देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करते रहे, और उनको कांग्रेस को देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर मिला था, विकास, सुरक्षा, समृद्धि, सुशासन इसमें नहीं कर पाए, कम से कम अयोध्या में रामलला का मंदिर ही बना देते। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।